77 mm longer and 22 mm wider than its previous generation. Ladies and gentlemen, welcome to Times Drive. I am Ankur Taneja and this is the 2020 Mercedes GLS. And Mercedes is saying that this is the S-Class of SUVs. Is it? Let's check that out. अब ये नई GLS कई मायनों में पुरानी जनरेशन के मुकाबले बदल गई है. लुक्स में बदलाव हुआ है, इंटीरियर में बदलाव हुआ है. एक्सटीरियर की बात करें तो फ्रंट में आपको इसमें दिए गए हैं पहले से थोड़े छोटे आपको हेडलैम्प्स इसमें दिखेंगे. मल्टी बीम LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको इसमें दिए गए हैं और फ्रंट में ये मैसिव ग्रिल आपको इस GLS में दिया गया है और बीच में आपको ये बड़ा सा मर्सिडीज का लोगो देखने को मिलेगा. यहां पर भी नीचे आप क्रोम का एलिमेंट देख रहे हैं, इसकी स्किड प्लेट्स में दिए गए हैं. सेंसर्स आपको मिलेंगे फ्रंट में और कैमरा दिया गया है फ्रंट में भी. 360 डिग्री कैमरा आपको इस GLS में मिलेगा. व्हील्स की बात करें तो व्हील्स आपको इसमें मिलते हैं 21 इंच के फ्रंट में दिए गए हैं और रियर में आपको दिए गए हैं 21 इंच के ही 315/40 सेक्शन के आपको टायर्स यहां पर देखने को मिलेंगे. क्रोम का इस्तेमाल आपको यहां पर इसकी साइड विंडोज के चारों तरफ देखने को मिलेगा और ये रियर तक जाता है जो इसकी रियर विंडोज हैं. और यहां पर नीचे रनिंग बोर्ड दिया गया है, इसमें भी सिल्वर टच दिया है मर्सिडीज ने इस नई GLS में. रियर में आएंगे तो टेल लाइट्स का डिजाइन भी अब मर्सिडीज ने इसका नया दिया है इस नई GLS में. पहले से थोड़ा कॉम्पैक्ट आपको इस टेल लाइट का डिजाइन पुरानी GLS के मुकाबले लगेगा और वही क्रोम का एलिमेंट आपको यहां पर भी इसके रियर में देखने को मिलेगा. सो दिस इज दी पेट्रोल वेरिएंट GLS 450 दैट वी हैव विद अस और इसके बारे में हम आपको बताएंगे जब इस गाड़ी को चलाएंगे. और सेंसर्स, कैमरा और क्रोम का एलिमेंट आपको इसकी रियर स्किड प्लेट में भी देखने को मिलेगा. सो ये सब कुछ इसके एक्सटीरियर वाइज बदलाव किए गए हैं इस नई GLS 2020 में. अब अंदर जो फीचर्स की लिस्ट है वो बहुत ज्यादा लंबी है, तो चलिए देखते हैं क्या वो नए फीचर्स इस नई GLS में आपको मिलते हैं. अब इंटीरियर इसका जो है वो आपको बिल्कुल प्रीमियम फील देगा. इस गाड़ी में बैठते ही आपको लगेगा कि वॉट एवर यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ प्रीमियम कार आपको वो इंटीरियर में इसके मिलेगा. अब ये एस क्लास जैसा है कि नहीं वो आपको बताते हैं. यहाँ पर फ्रंट में जो डैशबोर्ड दिया गया है वो लेदर स्टिच है, आप देखेंगे पूरा सॉफ्ट टच के साथ आपको देखने को मिलेगा. और यहाँ पर ये वुडन फिनिश आपको इस GLS के अंदर इंटीरियर में डैशबोर्ड में दी गई है. बेज, ब्राउन और ब्लैक का इस्तेमाल इसके इंटीरियर इस वेरिएंट में किया गया है. इसके अलावा इसमें जो और भी कलर आते हैं सीट्स में, अभी ये जो बेज कलर की हैं, इसके अलावा कॉफी ब्राउन कलर आता है और एक ब्लैक कलर इसकी सीट्स में आपको मिलता है. सो आई वुड प्रेफर समथिंग डार्कर बिकॉज ये गंदे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं जो लाइट कलर होता है. फिर बात करें यहाँ पर आपको 4 AC वेंट्स दो साइड में दिए गए हैं एंड यू गेट दी 5-zone ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस GLS में 2020 में आपको देखने को मिलेगा. अब स्क्रीन का साइज भी इस गाड़ी की तरह ही है, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग. और यहाँ पर आप देखेंगे जेस्चर रीड करता है, इफ आई एम मूविंग माई फिंगर, सो जेस्चर भी रीड करने का इसमें ऑप्शन दिया गया है. यहाँ पर आपको फोन कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो, FM, अगर आप यहाँ से ऑपरेट नहीं करना चाहते तो स्टेयरिंग पर भी यहाँ पे आपको टच पैड दिया गया है, यू कैन ऑपरेट, ये सब आप ऑपरेट कर सकते हैं. एंड सेंटर में भी इज ऑल्सो दिस पैड, यहाँ पर आपको इसको कंट्रोल करने के ऑप्शन मिलते हैं. सो नेविगेशन, रेडियो, मीडिया, कम्फर्ट, सेटिंग्स. एंड सेटिंग्स में कुछ इंटरेस्टिंग फीचर है, हालांकि फीचर्स बहुत ज्यादा हैं बट कुछ दो फीचर जो मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे मैं आपको दिखाता हूँ वो. सो यहाँ पर आप जाएंगे व्हीकल में एंड सो देर इज ऑटोमेटिक सीट एडजस्टमेंट, जिसमें आप अपनी हाइट के हिसाब से सीट को एडजस्ट कर सकते हैं. आप अपनी हाइट यहाँ पर डालेंगे, हम 5'10" मैंने डाला है तो उस हिसाब से सीट एडजस्ट हो जाएगी जो भी आप यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे. उसके अलावा आपको बेल्ट एडजस्टमेंट का भी, जब आप बेल्ट एक बार लगाएंगे इस गाड़ी में बैठने के बाद तो वो ऑटोमेटिकली बेल्ट एडजस्ट हो जाएगी जब आप उसको एक बार लगाएंगे. फिर यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग के फीचर्स मिलते हैं, इसमें आप डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले के जो स्टाइल हैं वो अलग अलग तरह से कर सकते हैं. सो ये सब आपको इस नई मर्सिडीज GLS में 12.3 इंच का ये आपको टच स्क्रीन दिया गया है एंड टच भी इसका काफी अच्छा है, काफी सेंसिटिव है, रिस्पॉन्सिव है. एंड यस, आई वुड से कि ये इस गाड़ी की प्रीमियम फील को जरूर थोड़ा और बढ़ाता है. फिर यहां पर आपको जो इंस्ट्रूमेंट पैनल दिया गया है वो पूरा एक स्क्रीन है, दो स्क्रीन में डिवाइड करा हुआ है, लेकिन एक पूरी
स्क्रीन दी गई है, यहाँ पर आपको सेम वही फुल डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल दिया गया है। इसमें भी आपको अलग अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे। आप जाएंगे, इसके डिस्प्ले को आप बदल सकते हैं, नेविगेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, फोन कनेक्टिविटी का ऑप्शन देख सकते हैं, ट्रिप देख सकते हैं और साथ ही साथ मीडिया डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस फीचर्स वाइज आपको इसके डिस्प्ले में देखने को मिलेंगे और इसको भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए भी अलग से टच पैड दिया गया है। इसके अलावा जो आपको ये नीचे बटन्स दिख रहे हैं, ये जो मेटालिक टच में इधर दिए हैं, दीज आर ऑल बटन्स फॉर एसी वेंट्स, एसी कंट्रोल के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर फैन कंट्रोल का बटन है, देन देयर इज हैजार्ड लाइट बटन एंड एसी जो है 5 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मैंने बताया आपको है। और सामान रखने की जगह जो है यहाँ पर आप देखेंगे 2 कप होल्डर्स यहाँ दिए गए हैं। वायरलेस चार्जिंग का यहाँ पर सपोर्ट है एंड देर आर 2 USB Type-C ports आपको इस पूरी गाड़ी में दिए गए हैं। सो यू हैव टू कैरी योर वायर विद यू। 3 मोड आपको इस में मिलते हैं, कम्फर्ट, इको एंड ऑफ रोड। तो आप इन 3 मोड्स पर इस गाड़ी को, नई GLS को चला सकते हैं। और इसमें जो सस्पेंशन दिया गया है दैट इज द एयरमैटिक सस्पेंशन। तो आप जिस हिसाब से सेटिंग करेंगे वो सस्पेंशन एडजस्ट करेगा उस हिसाब से इस गाड़ी को। उसके अलावा बटन्स आप देख रहे हैं, डेडिकेटेड आपको 360 डिग्री पार्किंग का कैमरा दिया गया है। यहाँ पर आप नेविगेशन का बटन है, रेडियो का बटन है, टेलीफोन का बटन है एंड वॉल्यूम कंट्रोल का बटन भी आपको इधर दिया गया है। रेस्ट इसके अलावा यहाँ पर आपको डेडिकेटेड गाड़ी को लिफ्ट अप करने के लिए और डाउन करने के लिए यहाँ पर एक बटन दिया गया है। यहाँ पर भी कुछ स्टोरेज आपको मिलता है, इसके अंदर भी आपको USB-C Type चार्जिंग पोर्ट इसमें देखने को मिलेगा। रेस्ट ओवरऑल मैं इंटीरियर का लुक कहूँ तो यस प्रीमियम जरूर लगता है, बट थोड़ा बहुत मैं कहूंगा कि एस क्लास जैसा थोड़ा बहुत वैसा नहीं है। उसके अलावा पूरा और जो फिनिश, चाहे सीट्स की बात हो, चाहे सेंटर आर्मरेस्ट की बात हो, सेंटर कंसोल जो पूरा दिया गया है, या डैशबोर्ड की बात हो, वो प्रीमियम फील आपको इस गाड़ी में बैठते ही जरूर आएगा। एंड यस, द वन थिंग दैट यू गेट इज ऑल्सो द पैनोरामिक सनरूफ, जो सेकेंड रो तक जाती है पर थर्ड रो को कवर नहीं करती है। एंड द साउंड सिस्टम दैट यू गेट इन दिस GLS 2020 इज द बर्मिस्टर 13 स्पीकर साउंड सिस्टम आपको इस नई GLS 2020 में दिया गया है। अब सीटिंग कंफर्ट के लिए भी आपको यहाँ पर बटन दिए गए हैं, यू कैन एडजस्ट देम, हेडरेस्ट, बैकरेस्ट एंड थाई सपोर्ट भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। वो आपको रियर सीट्स पर भी और आगे की फ्रंट टू सीट्स पर भी दिए गए हैं। अब चलते हैं पीछे, देखते हैं पीछे कैसे स्पेस मर्सिडीज ने इसके स्पेस में पीछे सेकंड रो है वहां पर थोड़ी बढ़ोतरी की है। अब वो कितना बड़ा है, लेट्स गो एंड चेक दैट। अब लेगरूम के हिसाब से, हेडरूम के हिसाब से और थाई सपोर्ट के हिसाब से भी आपको काफी अच्छा यहाँ पर सिस्टम देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर भी डेडिकेटेड एसी वेंट्स दिए गए हैं, एक रूफ में दिया गया है, एक पिलर में दिया गया है यहाँ पर आप देखेंगे, और सेंटर में भी इधर आपको एसी कंट्रोल्स के बटन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको कुछ सामान रखने की जगह और 2 USB चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं, USB-C चार्जिंग पोर्ट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर अगर तीसरा बंदा नहीं बैठा है तो यहाँ पर आपको कुछ सामान रखने की जगह, और यहाँ पर भी आपको 2 चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर आप जो इसके साथ टैबलेट, अभी फिलहाल इसमें नहीं है बट यहाँ पे टैबलेट मिलता है जिससे आप आगे के जो कंट्रोल्स हैं डिस्प्ले के वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये सब आपको इसकी दूसरी कतार में देखने को मिलेगा। रेस्ट कंट्रोल्स आपको रियर सीट के भी यहाँ पे दिए गए हैं एंड सन ब्लाइंड्स आपको इधर देखने को मिलेंगे, ये भी आप 1 टच बटन के साथ इनको खोल या बंद कर सकते हैं। सो ऐसा कुछ आपको स्पेस सेकेंड रो में देखने को मिलेगा, और सनरूफ जो पैनोरामिक सनरूफ है यहाँ से भी सेकंड रो से आपको उसका बेटर व्यू जरूर देखने को मिलता है। इसके अलावा तीसरी रो भी इसमें है, 7 सीटर गाड़ी है, तो देखते हैं पीछे कितना स्पेस इस गाड़ी के लंबे होने के बाद बना है इसकी थर्ड रो में। तो ये थर्ड रो में अभी मैं बैठा हूँ, हेडरेस्ट आप इसके एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं कहूंगा स्पेस वाइज थोड़ा बहुत टाइट यहाँ पर लगेगा। मैंने सीट जो है अपने हिसाब से एडजस्ट की थी, लेकिन फिलहाल अभी जब मैं थर्ड रो एक्सेस कर रहा हूँ तो वो सीट थोड़ी आगे हो गई है, तभी थोड़ा स्पेस बन पाया है लेग रूम के लिए। एग्जैक्ट मैं कहूँगा स्पेस है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, बट अगर थोड़ी कम हाइट के, मेरी हाइट से कम हाइट के लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, तो वो इजिली कम्फर्टेबली अगर बैठना चाहते हैं तो वो कम हाइट के लोग ही बैठ पाएंगे एंड एडल्ट थोड़ा बहुत एडजस्ट करके यहाँ पर बैठ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी आपको कप होल्डर्स दिए गए हैं दोनों साइड, USB-C चार्जिंग पोर्ट 2 राइट साइड पर दिए गए हैं और 2 लेफ्ट साइड पर दिए गए हैं, स्पीकर्स आपको इधर देखने को मिलेंगे एंड
यहाँ पर आपको डेडिकेटेड विंडो एरिया आपको थर्ड रो के लिए भी मिलता है, विच विल मेक यू फील रूमी। यहाँ पर पीछे बैठेंगे क्लॉस्ट्रोफोबिक, जो थर्ड रो में लोग बैठे हैं उन्हें इस विंडो स्पेस के बाद नहीं फील होगा। तो ये सब कुछ आपको इसके इंटीरियर में देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर भी आपको डेडिकेटेड लाइट्स दी गई हैं इधर थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए भी, और एसी वेंट्स भी आपको रूफ में दिए गए हैं यहाँ साइड में पीछे वाली पैसेंजर्स के लिए। इंटीरियर वाइज मैं कहूंगा यस, ये मर्सिडीज GLS 2020 आपको एक प्रीमियम फील जरूर देगी। ओवरऑल जो कैबिन का पूरा फील मिलता है और स्पेशली फ्रंट रो में जिस तरह के आपको बैठने के बाद फील मिलता है और सेकेंड रो का कम्फर्ट वाकई में काफी अच्छा है। अब बूट स्पेस की बात करें तो इस नई GLS 2020 की, तो अगर तीनों रो आप हैं यानी सेकेंड और थर्ड रो, ऑब्वियसली फर्स्ट रो आप रहेगी, तो आपको जो बूट स्पेस मिलता है तब वो है 355 लीटर्स का। अगर सात लोग ट्रैवल कर रहे हैं इस गाड़ी में तो थोड़ा स्पेस यहाँ पर आपको टाइट लगेगा, दो तीन छोटे सूटकेस इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन विद अ टच ऑफ अ बटन सेकेंड और थर्ड रो जब आप नीचे करते हैं तो मैसिव 2400 लीटर्स का बूट स्पेस आपको इस GLS 2020 में मिलता है। और एक और जो यहाँ पर बटन दिया गया है, यहाँ आप देखेंगे इसको अगर आप पुश करेंगे तो गाड़ी जो है एमेटिक सस्पेंशन इसमें जो दिया गया है वो आपको जो इसका रियर है थोड़ा नीचे आता है तो आपको सामान उठाकर रखने में ज्यादा दिक्कत ना हो, तो वो एक फीचर भी इसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब एक्सटीरियर के हिसाब से ये कुछ बदलाव किए गए हैं और स्पेस वाइज और फीचर वाइज आपको इंटीरियर में ये सब कुछ इस नई GLS 2020 में देखने को मिलेगा। अब ये जो गाड़ी हमारे पास है इसमें आपको पेट्रोल इंजन दिया गया है, अब ये चलने में कैसे है उसको भी एक बार देख लेते हैं। The variant that I'm driving of this new Mercedes-Benz GLS 2020 is the GLS 450. That means this is the petrol variant that we have with us. और ये आपको 3 लीटर का स्ट्रेट 6 टर्बो पेट्रोल इंजन आपको इस नई GLS में देखने को मिलेगा, जो 367 हॉर्स पावर और 500 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क देता है। ये आपको 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ मिलता है और इस माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम से आपको 22 हॉर्स पावर एडिशनल पावर और 250 न्यूटन मीटर का इलेक्ट्रिक बूस्ट मिलता है जब आप इसको थोड़ा हार्ड एक्सीलरेट करते हैं। इसमें जो आपको गियरबॉक्स दिया गया है दैट इज 9G-tronic ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो आपको इस नई GLS 2020 में मिलता है, और ये 0-100 का आंकड़ा पकड़ती है मात्र 6.2 सेकंड्स में, और टॉप स्पीड आपको इसकी मिलती है 246 किलोमीटर पर आवर की। अब एक चीज का एहसास जो आपको इस गाड़ी में बैठते ही होगा वो है इसके नॉइस वाइब्रेशन लेवल्स यानी NVH लेवल्स, जो कि बिल्कुल भी आपको कैबिन में फील नहीं होंगे किसी भी तरह का साउंड। अनलेस जब आप स्टार्ट कर रहे हैं हल्का सा साउंड आपको तब महसूस होगा, लेकिन कार स्टार्ट होने के बाद आपको बिल्कुल भी नॉइस लेवल्स महसूस नहीं होंगे, आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि गाड़ी ऑन है या ऑफ है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको 3 ड्राइविंग मोड इसमें देखने को मिलते हैं, कंफर्ट, इको और ऑफ रोड मोड आपको इस नई GLS 2020 में दिया गया है। हालांकि स्पोर्ट मोड आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप इस गाड़ी को पहली बार पुश करते हैं यू एक्सेलरेट इट, यू फील द पावर एंड द वेट ऑफ द कार, जो इंजन का पावर है और गाड़ी का जो वेट है वो आपको फील जरूर होगा। हालांकि स्टीयरिंग जो है वो काफी लाइट है, काफी इजी है ऑपरेट करने में, वहां पर आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। अब इसको जब आप थोड़ा तेज रफ्तार में ले जाएंगे यानी अराउंड 3000 आरपीएम के ऊपर ले जाएंगे, वहां पर आपको थोड़े से नॉइस लेवल जरूर महसूस होंगे इस पेट्रोल वेरिएंट में, लेकिन ये जो इसमें 21 इंच के टायर्स दिए गए हैं इस GLS 2020 में वो इस गाड़ी को एक अलग तरह का बैलेंस स्टेबल जरूर बनाते हैं और काफी क्वाइट और रिलैक्स ड्राइव आपको इस गाड़ी में बैठने के बाद जरूर महसूस होती है। अब सीटिंग कंफर्ट भी आपको हालांकि काफी अच्छा इस GLS 2020 में देखने को मिलेगा, लेकिन ये एस क्लास जितना कंफर्टेबल मैं नहीं कहूंगा कि ये है। जब भी आप थोड़े शार्प टर्न्स लेते हैं वहां पर आपको बॉडी रोल जरूर महसूस होगा। नाउ अनदर थिंग व्हिच आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस GLS 2020 इज द टर्निंग रेडियस ऑफ दिस कार, की इसका जो टर्निंग रेडियस है वो इसके साइज और वेट के हिसाब से काफी अच्छा है। अराउंड 12.2 मीटर का इसका टर्निंग
सर्कल डायमीटर है, विच इज रियली गुड व्हेन यू टॉक अबाउट द एसयूवीज ऑफ दिस साइज। अब सस्पेंशन की बात करें तो इसमें मर्सिडीज ने एयरमैटिक सस्पेंशन यूज किया है इस GLS 2020 में। अब सस्पेंशन हालांकि काफी अच्छा है, बखूबी अपना काम करता है, लेकिन कंफर्ट की बात करें तो वो कंफर्ट लेवल पर वो अचीव नहीं कर पाता जो आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट करते हैं। हालांकि ये SUV है तो वो थोड़ा बहुत आपको ऑफ रोड वाला फील या थोड़ा वो रगेड फील भी आपको इसमें बैठने के बाद, इसको चलाने के बाद जरूर मिलेगा, लेकिन कंफर्ट के मामले में सस्पेंशन जब थोड़े पॉटहोल्स थोड़े ज्यादा आते हैं या स्पीड ब्रेकर्स आपको देखने को मिलते हैं तो वहां पर उनको वो ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, थोड़े आपको झटके जरूर महसूस होंगे अगर आप इसको 50-60 की स्पीड पर भी चला रहे हैं तो। Now this car weighs around 2.5 ton which is quite a lot, but इसके इतना वेट होने के बाद भी जो ब्रेकिंग है वो काफी बखूबी अपना काम करती है, वहां पर आपको कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हुई। अपने जो बाइट है उसकी ब्रेक का काफी अच्छा आपको मिलेगा, काफी प्रिसाइज है। एंड the 9G स्टेप्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑल्सो वर्क्स लाइक ए चार्म, उसमें भी आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। अब सवाल आता है कि आप इतना कुछ जो मर्सिडीज ने इस नई GLS 2020 में दिया है, एंड दे ऑल्सो सेड दैट दिस इज द एस क्लास ऑफ SUVs विच आई सेड इन द बिगनिंग, तो क्या आपको ये वैसा कंफर्ट देती है या वैसा आपको एस क्लास वाला आपको माहौल इस SUV में एज अ पैकेज के तौर पर मिलता है या नहीं? देन आई वुड से इसकी जो कॉस्ट है दैट इज 99.90 lakh एक्स शोरूम विच इज 38 lakh लेस देन द एस क्लास। सो आपको वो एस क्लास वाला कंफर्ट तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर, बट प्रीमियमनेस के मामले में या आपको जो भी नई टेक्नोलॉजी नए फीचर्स या आपको साइज के हिसाब से जो इसमें अब स्पेस दिया गया है वो काफी आपको एक स्टेप आगे लगेगा बाकी जो इसके कंपेटिटर्स हैं उसके मुकाबले। वन मोर थिंग विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग स्पेशली इन द पेट्रोल वेरियंट वॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स मोड जो इसमें नहीं दिया गया है। हालांकि आपको डीजल हमने चलाया भी नहीं है, डीजल में स्पोर्ट मोड का उतना कुछ मतलब बनता नहीं है, बट पेट्रोल में वी एक्सपेक्टिंग कि स्पोर्ट मोड होता लेकिन वो नहीं है। फिर इसको एक ओवरऑल पैकेज के तौर पर देखें कि ये मर्सिडीज की नई GLS 2020 वाकई में बाकी जो सेगमेंट में SUVs हैं उनके मुकाबले कैसे स्टैंड करती है, देन आई वुड से इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ इंजन रिफाइनमेंट, दिस SUV विल लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशन। और अगर आप एक 7-seater SUV ढूंढ रहे हैं विद प्रीमियम फील एंड विद अ मर्सिडीज लोगो, देन आई वुड से दैट दिस इज द कार दैट यू कैन गो फॉर।